कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 4 अर्थात केंद्र की सरकार के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। देखिए इसमें केंद्र की सरकार में क्या है, ये संसद है और ये दो जन ही हैं, एक प्रधानमंत्री है और एक राष्ट्रपति जी हैं, ये ही पूरे कार्य की देखरेख को संभालते हैं। चलिए देखिए क्या है केंद्र की सरकार में। ये केंद्र की सरकार, ये संसद भवन में सब कुछ तय होता है और यही दोनों जन जो है इस सब का फाइनल निर्णय लेते हैं कैसे करना है इन सब चीजों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रश्न, आप किस राज्य में रहते हैं? तो राज्य तो हमारा छत्तीसगढ़ है, अर्थात हम छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी दिखाया था मैंने, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका चित्र मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, ये नरेंद्र मोदी जी हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। क्या आपके क्षेत्र के संसद सदस्य वहां की समस्या को हल करने में मदद करते हैं? यदि हाँ तो कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं इसको। हमारे क्षेत्र का संसद सदस्य क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं, जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, यातायात के साधन हो गए और सुविधाओं का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार किसे कहते हैं? केंद्र सरकार के सभी अंगों के नाम लिखने, तो चलिए देखिए पहले क्या उत्तर है इसका। हमारे देश में राज्य सरकारों के अलावा एक और सरकार होती है जो पूरे देश के सभी मामले, डाकघर, बैंक, रेल सेवा आदि की देखरेख करती है और पूरे देश के लिए कई विषयों पर कानून बनाती है। इस सरकार को केंद्रीय सरकार कहते हैं। इसमें निम्नलिखित अंग होते हैं, नंबर 1 होता है लोकसभा, नंबर 2 होता है राज्यसभा, नंबर 3 है कार्यपालिका, नंबर 4 है न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका, ये इसके अंग है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर, देश की संसद से आप क्या समझते हो? तो ये उत्तर है आपका, पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य लोकसभा एवं राज्यसभा करती हैं, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है, अर्थात राष्ट्रपति तथा इन दोनों सदनों को ही मिलाकर संसद कहते हैं। राष्ट्रपति और ये दोनों सदन मिलकर के ही संसद कहलाते हैं। संसद भवन भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, जो कि मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, ये हमारा संसद भवन है जो कि दिल्ली में स्थित है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिए, यही है संसद भवन जहां से सारा कार्यभार होता है। आगे चलते हैं। नंबर 4, देश के लिए कानून बनाने का कार्य सरकार के किस अंग का होता है? तो संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना है, क्योंकि संसद में हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि बैठते हैं जो हमारे हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं। राष्ट्रपति की 4 महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में लिखना है, तो उत्तर है हमारे पास, राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां निम्नलिखित है। नंबर 1 है राज्य के राज्यपालों, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। नंबर 2, राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। नंबर 3, राष्ट्रपति दूसरे देशों से युद्ध की घोषणा तथा संधियां और समझौते कर सकता है। नंबर 4, राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की भी शक्ति होती है, अर्थात किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ है तो उसको क्षमादान कर सकता है। संसद के कार्यों को लिखना है, क्या काम होता है संसद का, संसद के कार्य क्या है? मुख्य है कानून बनाना, तो संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना है, तथा दूसरा मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना, यही संसद के मुख्य कार्य है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता, अर्थात जिस दल या दलों को मिलाकर आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लिखना है, क्या उसके क्षेत्राधिकार है? तो ये लिखा जा रहा है, इसके 3 क्षेत्राधिकार है। नंबर 1, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, क्या है ये? इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित मुकदमों की सुनवाई कर सकता है। नंबर 1 है ऐसे मुकदमे जो केंद्र या राज्य सरकार के बीच में हो। नंबर 2,
ऐसे मुकदमे जो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवादित हों। नंबर तीन, ऐसे मुकदमे जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित हो। नंबर दो क्या है? अपीलीय अधिकार। इसके अंतर्गत यह न्यायालय संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। परामर्श नंबर तीन है परामर्श क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व या विधि समस्त तथ्यों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन परामर्श को मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यह संसद द्वारा पारित अधिनियमों का पुनरावलोकन कर सकता है। संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होने पर उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। अब ये कुछ जमीन जायदाद का झगड़ा है, देखिए क्या होता है। रामलाल की जमीन संबंधित केस उच्च न्यायालय में चल रहा था। उच्च न्यायालय ने निर्णय रामलाल के विरुद्ध दिया, जिससे रामलाल ना खुश था। अब वह न्याय प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करेगा? तो ये उत्तर आपको दिया जा रहा है, इसका एक उपाय सुझाया गया है आप लोगों को। अब राम सिंह न्याय प्राप्ति के लिए पूरी जानकारी के साथ वकील के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। और सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा और अंतिम न्यायालय होता है, जहां पर उच्च न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है तथा जिला स्तर पर भी न्यायालय होते हैं। फौजदारी मामलों के लिए सेंशन कोर्ट तथा दीवानी मामलों के लिए जिला कोर्ट होता है। इन सारे कोर्ट में राम सिंह को निराशा ही मिला। अब वह न्यायालय के प्राप्ति के लिए, न्याय की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा। चलिए देखते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है जो कि दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय आपका ये दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर सारे जो भी सभी जगहों से जो केस नहीं निपट पाते हैं वो यहाँ पर केस निपटा रहे, ये अंतिम जगह है जहाँ पे केस का निपटारा होता है। चलिए नंबर 10 दे रहे हैं, अगर हम प्रधानमंत्री होते, मतलब मैं प्रधानमंत्री होता तो अपने 5 वाक्यों के शब्द लिखने हैं इसमें। तो ये उत्तर है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश के विकास के लिए निम्न कार्य करता या करती। नंबर 1 है, देश से बेरोजगारी गरीबी दूर करने का प्रयास करता। नंबर 2 है, देश को भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाता। नंबर 3, सभी ग्रामों में बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास करता। नंबर 4, अनाथ बच्चे, बेसहारा, मानसिक विकलांग, मंदबुद्धि, निराश्रित, बुजुर्ग आदि के रहने की निःशुल्क व्यवस्था करता। नंबर 5 है आपका, जातिगत आरक्षण को बंद कर आर्थिक स्तर के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करता। तो ये सारे आपको पॉइंट लिखने हैं। चलिए नीचे देखते हैं, ये जो 2 पिलर हैं हमारे देश के, ये हैं राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इनके बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, यही 2 पिलर हैं जो हमारे पूरे देश को संभाले हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं, देश के लिए कानून बनाने का कार्य संसद को ही क्यों सौंपा गया है, ये भी एक मुख्य क्वेश्चन है। तो देश का कानून बनाने का कार्य संसद को इसलिए दिया गया है क्योंकि संसद में हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि बैठते हैं, जो हमारे हितों को ध्यान में रख करके कानून बनाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का विधानसभा भवन कहाँ स्थित है? आपको सबको पता है ये 0 पॉइंट पे है, यानी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का विधानसभा भवन 0 पॉइंट रायपुर में स्थित है। नंबर 2 है, आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? तो हमारे क्षेत्र का विधायक ग्रामीण सत्यनारायण शर्मा है। प्रश्न 3 है, क्या छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश भोपाल मध्य प्रदेश में लागू होता होगा? छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश भोपाल में लागू नहीं होगा क्योंकि वो अलग है। आपके आसपास केंद्रीय सरकार के कौन कौन से कार्यालय हैं? सूची बनानी है। तो हमारे आसपास केंद्रीय सरकार के कार्यालय कौन कौन से हैं? रक्षा है, डाकघर है, बैंक है, रेलवे सेवा है, एयरपोर्ट है यानी हवाई अड्डा आदि, ये सब हमारे कौन से कार्यालय हैं? ये केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए कार्यालय हैं। केंद्र सरकार के कानून देश के किन लोगों पर लागू होते हैं ये हमें बताना है। केंद्र सरकार की कानून पूरे भारत देश में लोगों पर लागू होंगे। नंबर अगला है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं, ये 90 सीटें याद रखना है बच्चों आप लोगों को।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट हैं। देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है, तो अभी बताया था देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। ये अभी चित्र भी दिखाया था आप लोगों को। सेना के तीनों अंगों का प्रधानमंत्री सेनापति कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति। सेना के तीनों अंगों का प्रधानमंत्री यानी प्रधान सेनापति जो है वो राष्ट्रपति होता है। ये लेसन यानी ये यहीं समाप्त कर रहा हूं। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और अपना लेसन कंप्लीट होने पर मुझे बताएंगे कमेंट करके। यहाँ हमने लेसन समाप्त कर लिया है और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आरएस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।